हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए मासिक टेस्ट अगस्त महीने का, जो कि है जीव विज्ञान का कक्षा 11वीं का। यहाँ पर गाइस हम इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर हम इसको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप इजीली इसे हल कर पाओ। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनी है। तो यहाँ पर गाइस हम इसके केवल आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो देखिए गाइस, पहले वाले का सही आंसर है का वाला, दूसरे वाले का सही आंसर है यहाँ पर गा वाला, और तीसरे वाले का सही आंसर है गाइस यहाँ पर का वाला। इसके अलावा चौथे का सही आंसर है गाइस का वाला, यहाँ पर हमने जो कि टिक कर दिया है। और पांचवे का सही आंसर है गाइस यहाँ पर गा वाला। तो इस तरीके से गाइस आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें एक, या वीडियो को पॉज करके लिख लें। अगले गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमें बताना है। तो ये रहा गाइस पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को रोक कर इसका आंसर लिख लें। दूसरे वाले का यह रहा गाइस आंसर, तो यहाँ पर आप इसका आंसर जल्दी से लिख लें। तो यह रहा गाइस इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर। और अगला गाइस तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये आंसर सही है यहाँ पर। तो इसका आंसर आप लिख ले गाइस, यहाँ पर हमने दो प्रमुख लक्षण इसके बता दिए हैं। और अगला गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमने इसे 3 कर दिया है। तो यहाँ पर भी गाइस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पर इसका आप आंसर लिख लें। तो ये रहा गाइस इसका चित्र, इस तरीके से आपको इसका एक नामांकित चित्र बना लेना है। तो यह रहा गाइस, इस तरीके से आप बना लें, पहले इतना बना लें और आप इसके बाद इतना बना लें। यहाँ पर गाइस जूम नहीं कर पा रहा मैं अपनी स्क्रीन को। तो इसके बाद है गाइस यहाँ पर जो बायो फाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, तो इसका इसके लिए गाइस आप इसका जो आंसर है इसे लिख लें जल्दी से। हमने इसका जो आंसर है आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिख लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगला गाइस यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर गाइस जो अंतर है हमें बताना है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा गाइस पेज को अपने, तो आप इसका आंसर लिखते चले साथ साथ। तो इस तरीके से गाइस आपने जो वीडियो है इसे रोक लिया होगा और इसके आंसर लिख लिए होंगे यहाँ पर। और ये रहा गाइस इसका आंसर। तो इस तरीके से गाइस हमने क्लास 11th के जो बायोलॉजी का टेस्ट पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके अलावा गाइस आपके अदर सब्जेक्ट के लिए आप इस चैनल को विजिट कर लें, यहाँ पर हमने इसका डाउनलोड लिंक दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।